नमस्कार आदाब दोस्तों, मुंबई एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष और बड़ी खबर पर। गृह निर्माण मंत्री और कलवा मुंबई विधायक जितेंद्र रावत कानूनी हिरासत में। जी हां दोस्तों, आपको पता होगा 5 अप्रैल 2020 को थाने के एक इंजीनियर आनंद करमूसे नाम के मंत्री रावत के खिलाफ FIR दर्ज की थी वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में, ये कहते हुए कि उनके घर से अगवा किया गया, मंत्री रावत के बंगले पर लेकर जाकर खूब पिटा गया। लगभग 2 से 3 घंटा उनकी पिटाई की गई गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र रावत की मौजूदगी में, जिसके बाद वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया था। इसी के चलते मंत्री रावत को आज शाम थाने के वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार किया गया और वहीं से उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें 10,000 रुपया बॉन्ड पर छोड़ दिया गया है। परंतु ऑपोजिशन के जो BJP के खास तौर पर किरीट सोमैया है, उन्होंने इस मुद्दे को काफ़ी तूल दिया हुआ है। उनका कहना है कि मंत्री रावत को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, उनके राजीनामे की मांग की जा रही है, क्योंकि ये एक तरीके का जुल्म है। अगर उस शख्स ने कोई आपत्तिजनक पोस्ट की थी मंत्री रावत के खिलाफ, तो कानूनी जो रास्ता था वो अख्तियार कर सकते थे। इस तरीके की गुंडागर्दी करते हुए वो भी पुलिस वालों ने आनंद करमूसी को उनके घर से लेकर पुलिस स्टेशन का कहकर लेकर गए और मंत्री रावत के बंगले पर लेके गए। CCTV फुटेज के खंगालने के बाद थाने कोर्ट की ओर से ये आदेश दिया गया था, जिसके चलते मंत्री जितेंद्र रावत को वर्तक नगर पुलिस स्टेशन ने अपनी हिरासत में लिया था और कुछ ही घंटों में उन्हें 10,000 बॉन्ड पर रिलीज़ कर दिया गया। अब देखना यह है कि क्या ऑपोजिशन के लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर मंत्री रावत की कुर्सी को हिला सकते हैं, या इस बार भी मंत्री रावत कहीं ना कहीं अपनी तजुर्बे से और अपनी तकनीक से बाहर आ जाएंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूले और हमसे जुड़े।